परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ताजाबाद में रहने वाले गरीब लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए। हमारी कोशिश यह है कि एक मेडिकल अस्पताल बनाया जाए। साथ ही गडकरी ने यह भी कहा कि संभव हुआ तो ताजाबाद में मेडिकल कॉलेज भी लाएंगे ताकि यहाँ रहने वाला गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके। गडकरी ने जोर देते हुए कहा कि ताजाबाद में एक मार्केट डिजाइन कर यहां के लोगों को रोजगार के लिए जगह मुहैया कराएंगे। साथ ही यहां सरकार की स्किल डेवलपमेंट परियोजना से युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। बाबा ताजुद्दीन का आशीर्वाद पूरी मानवता के लिए था। बाबा का दरबार सभी धर्मों के लोगों के लिए श्रद्धा का स्थान है। इसकी पवित्रता को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। नागपुर सुधार प्रन्यास MRDA द्वारा शनिवार को ताजाबाद परिसर में सौंदर्यीकरण परियोजना के विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाबा ताजुद्दीन की मजार पर चादर पेश कर प्रार्थना की, पश्चात विकास कार्य का लोकार्पण किया। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित विधायक प्रवीण दटके, विकास कुमार मोहन मते, विभागीय आयुक्त विजय लक्ष्मी बिदारी, जिलाधिकारी विपिन इटनकर, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, नासुप्र के चेयरमैन मनोज कुमार सूर्यवंशी, मुफ्ती अब्दुल कदीर खान, ताजाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे खान, सुरेंद्र जिचका, सचिव ताज अहमद राजा, फारूक बावला, मुस्तफा टोपीवाला, बुर्जिन रंडीलिया, गजेंद्र पाल सिंह लोहिया, इमरान खान उपस्थित थे। मनोज कुमार सूर्यवंशी ने प्रस्तावना रखी। मंच संचालन यासुद्दीन अशरफी ने किया। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी के लिए जो दरबार यहाँ पर हजरत बाबा ताजुद्दीन जी का है उसको ठीक से विकसित किया जाए और उसी दृष्टि से उसको उस समय हमारी सरकार ने जो भी आवश्यक निधि था वो पैसा हमने मुहैया कराया। और मुझे बहुत खुशी है कि नागपुर सुधार प्रन्यास, यहाँ के आर्किटेक्ट, यहाँ के जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया वो सारे लोग, इन्होंने बहुत सुंदर काम यहाँ पर किया है। बहुत अच्छी कारीगरी यहाँ पर देखने को मिलती है। और जैसे बाबा का दरबार ये पवित्र होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, आने के बाद सुकून मिलना चाहिए, उसी प्रकार से ये दरबार यहाँ पर तैयार हुआ है। ये हम सभी के लिए बहुत ही, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर्ष की बात है। और मैं सपना है, आप सब लोगों की अगर आशीर्वाद है, इच्छा है तो करेंगे कि ताजुद्दीन बाबा के नाम से एक बहुत बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ खुले और गरीब लोगों की निशुल्क सेवा हो। हार्ट के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती। और आज आपको मालूम है कि डॉक्टर के पास जाना कितना महंगा पड़ता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाबा का नाम लेकर सेवा करने का काम यहाँ होना चाहिए। यहाँ आयुर्वेद हो, यूनानी हो, अभी हमारे यूनानी वाले भी बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि यह सब प्रकार की जितनी पैथी है उससे गरीबों की सेवा करने वाला बड़ा मेडिकल का हॉस्पिटल और संभव हुआ तो मेडिकल कॉलेज तक यहाँ आप जाइए ताकि यहाँ इस क्षेत्र के गरीबों की सेवा निःशुल्क होगी, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैमरा पर्सन अमोल के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।